हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से जेजू यूनाइटेड और डाइगो एफसी के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं कोरियन लीग की जो पॉइंट्स टेबल वहां पर, तो सबसे पहले नजर डालते हैं डाइगो एफसी इस लीग में थर्ड पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें जेजू यूनाइटेड इस लीग में एट पोजीशन पर है। तो गाइस डाइगो एफसी ने इस लीग में 29 मैच खेले जिनमें से 12 मैच इस टीम ने विन किए और 8 मैच ड्रॉ भी खेले और 9 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 35 गोल किए लेकिन डिफेंस वाइज इस टीम ने 34 गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस 29 मैच में 35 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 1.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 29 मैच में 34 गोल डिफेंस वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंस वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में वो भी 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है और कभी कभी तो एक हल्की टीम के सामने 2 गोल भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर ही टीम के सामने टीम प्रत्येक मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस इस टीम का अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जेजू यूनाइटेड इस लीग में 28 मैच खेलिए जिनमें से 7 मैच इस टीम ने विन किए और 14 मैच ड्रॉ खेले और 7 मैच इस टीम ने लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज सिर्फ 31 ही गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी इस टीम ने सिर्फ 32 गोल कंसीड किए। तो गाइस 28 मैच में 31 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 1.1 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 28 मैच में 32 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है वो भी आपको 1.1 देखने को मिलेगा। मतलब ये टीम भी प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन एक बेहतर टीम के सामने ये टीम वो गोल भी नहीं कर पाती, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने पर मैच में एक गोल कंसीड करती है। तो गाइस अब बात आती है कि इन दोनों टीमों जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी इक्वली देखने को मिलता है, तो किस टीम को हम अपने ड्रीम इलेवन की टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चले। तो गाइस मैं यहाँ से डाइगो एफसी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस इस लीग में वो काफ़ी बेहतरीन है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रहे, कोरियन लीग जब भी खेलो तो एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, ना कि हाई स्कोरिंग। दोनों तरफ से गोल होने का चांस ऐसा मानो कि बहुत ही कम होते हैं। तो कंडीशन यह है कि आपने 5 डिफेंडर साथ ही ज़्यादा सेफ खेलना पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मैच होते हैं आप देख सकते हो कि जो सबसे निचली सतर की टीम है ना, इसने 26 मैच में 33 ही गोल कंसीड किए हैं। तो इस टीम का जो ऑन एन एवरेज निकल कर आता है ना 1.2, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब ये टीम है जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस नहीं करती, बल्कि डिफेंसिव वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इन दोनों टीमों का, मतलब कोरियन लीग का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोरियन लीग में इन्वेस्ट कम क्या करो, क्योंकि इनका रिजल्ट का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या रिजल्ट होगा, कि गोल होंगे या नहीं होंगे उस कंडीशन के अनुसार। तो इसलिए हम यहाँ से डाइगो एफसी को एक रिलायबल टीम मानते हुए इसे फेवरेट टीम मान के चलेंगे अपने ड्रीम इलेवन की टीम के लिए, और 7-4 का कॉम्बिनेशन के अनुसार इन्हें ही हम अपनी टीम में फेवर करेंगे। अब बात करते हैं हेड टू हेड मैच के बारे में। जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैच खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहाँ से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली हमारी समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए, अभी तक जेजू यूनाइटेड इस टीम के सामने विन नहीं कर पाई, बल्कि 3 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब जब जेजू यूनाइटेड और डाइगो एफसी आमने सामने खेलते तो अटैकिंग वाइज जेजू यूनाइटेड का जो परफॉर्मेंस आप मान से तो 1 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.6, मतलब कम से कम 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, वो मैच यहाँ से डाइगो एफसी इसी के होम ग्राउंड में 2-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज डाइगो एफसी ने 2 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज
इस टीम के सामने एक गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज गोल हुए भी और डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड भी किए गए, लेकिन उससे पिछले तीन मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुए और तीनों मैचों का रिजल्ट आपके सामने ड्रॉ, मतलब अटैकिंग वाइज ड्रॉ, मतलब ना कि डिफेंसिव वाइज, मतलब दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज गोल हुए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी दोनों टीमों की तरफ से सेम ही गोल कंसीड किए गए। तो परफॉर्मेंस यही देखने को मिलता है कि जब भी दोनों टीम आपस में खेली तो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में दोनों टीमों की तरफ से गोल होते भी हैं और डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी किए जाते हैं। और उससे मुकाबला एक और हुआ इन दोनों टीमों के बीच में और वो मैच भी यहां से डाइगो एफसी अपने होम ग्राउंड में इस टीम के सामने 2-0 से विन कर गए। अटैकिंग वाइज दो गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं किया। तो परफॉर्मेंस डाइगो एफसी का ही अच्छा देखने को मिला क्योंकि इस टीम ने दो मैच विन किए और तीन मैच ड्रॉ भी खेले। तो हेड टू हेड में यहां से फेवरेट टीम तो डाइगो एफसी निकलकर आती है और इसी को हम अपनी टीम के लिए फेवर करने वाले हैं। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस जेजो यूनाइटेड करंटली 6 मैच खेल चुके, 3 मैच विन भी किए, 2 मैच ड्रॉ भी खेले, 1 मैच लॉस भी किया। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल, मतलब इस टीम का जो परफॉर्मेंस है एवरेज, मतलब गोल करने का कम से कम 1 और कभी कभी हल्की से हल्की टीम के सामने 2 गोल भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों, मतलब जेजो यूनाइटेड गवांगजो एफसी के सामने, यानी गवांगजो फुटबॉल क्लब के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही, अटैकिंग वाइज इस टीम ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज भी 1 गोल कंसीड कर दिया। और उससे मुकाबले इंचियन यूनाइटेड के सामने ये टीम 2-1 से विन कर गई, अटैकिंग वाइज 2 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज फिर से गोल कंसीड कर दिया। और फिर ये टीम एफसी सियोल के सामने 1-0 से विन कर गई, अटैकिंग वाइज इस टीम ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 भी गोल कंसीड नहीं किया अब की बार। लेकिन उससे मुकाबले 1-0 से विन कर गई, मतलब लॉस कर गई, फिर यहाँ से 1-0 से अगेन विन, फिर यहाँ से 2-2 से ड्रॉ खेला। तो गाइज आप यहां से देख सकते हो इस जब भी कोरियन लीग का मैच होता है तो काफ़ी लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है, ना कि हाई स्कोरिंग। तो गाइज इसलिए मैं बोलता हूं कि आप कोरियन लीग में 5 डिफेंडर को फेवर करें और कैप्टन वाइस कैप्टन आप ऊपर से देने की कोशिश करें, जो इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा देते हैं उन्हीं को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन दे डिफेंडर में से। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, 3 मैच इस टीम ने विन किए हैं, 2 मैच ड्रॉ भी खेले और सिर्फ 1 ही मैच लॉस किया। परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज गोल करती भी है और डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। अब बात करें डाइगो एफसी का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस उसके बारे में। तो गाइस डाइगो ने 6 मैच खेले, 3 मैच विन, 1 ड्रॉ 2 लॉस, अटैकिंग वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया है और डिफेंसिव वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया, मतलब इस टीम का जो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच डाइगो एफसी उलशेन होंडे, जो कि इसलिए कि टॉप ऑफ द बेस्ट टीम है फिलहाल के टाइम पर, और उस टीम के सामने ये टीम 2-1 से मैच को विन कर आ रही है। अब आप यहां से देख सकते हो इस टीम जो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है वो कितना बेहतरीन है, 2 गोल के लेकिन डिफेंस वाइज सिर्फ 1 ही गोल कंसीड किया। और उलशेन होंडे जो काफ़ी बेहतरीन टीम है, लेकिन उससे पिछले मुकाबले नागवे ग्रंपस के सामने टीम 4-2 से लॉस कर गई, अटैकिंग वाइज इस टीम ने 2 गोल के लेकिन डिफेंस वाइज 4 गोल कंसीड किए। और उससे मुकाबले टीम पुहांग सेटलर्स के सामने 2-1 से मैच को विन कर गई, अटैकिंग वाइज फिर से 2 गोल के लेकिन डिफेंस वाइज फिर से 1 गोल कंसीड किया। पिछले 3 मैच में इस टीम ने अटैकिंग वाइज गोल किए हैं लेकिन डिफेंस वाइज भी गोल कंसीड किए। और उससे मुकाबले सियोंग नाम के सामने टीम 0-0 से मैच को ड्रॉ खेल गई, परफॉर्मेंस डिफेंसिव वाइज देखने को मिला लेकिन उससे मुकाबले फिर से टीम 3-1 से विन कर गई, अटैकिंग वाइज फिर से 3 गोल के लेकिन डिफेंसिव वाइज टीम ने फिर से 1 गोल कंसीड किया। और उससे मुकाबले इंचियन यूनाइटेड के सामने ये टीम 2-1 से मैच को लॉस कर गए। तो परफॉर्मेंस इस टीम का अटैकिंग वाइज काफ़ी बेहतरीन रहा, अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल कर देती है लेकिन डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइज अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारे शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस के बारे में नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइज इन तीनों चीज़ों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होता है। तो गाइज डाइगो एफसी पॉइंट टेबल का अकॉर्डिंग इक्वली गोल करती है और डिफेंसिव वाइज भी इक्वली गोल कंसीड करती है, मतलब दोनों टीमों जो परफॉर्मेंस है 1.2-1.1 देखने को मिला है। और हेड टू हेड में तो गाइस डाइगो एफसी ने 2 मैच विन किए तो हल्का सा फेवर यहां से डाइगो एफसी का जाता और डिफेंसिव वाइज भी इस टीम के सामने कहीं ना कहीं
प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। और रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोनों टीमों जो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में दोनों टीमें गोल करती भी हैं और डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती हैं। तो गाइज इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन कम से कम जेज यूनाइटेड अपना होम ग्राउंड में खेलेगी तो उस कंडीशन के अनुसार एक गोल होना चाहिए, क्योंकि जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती है दोनों टीमों की तरफ से गोल होना कन्फर्म है। तो इसलिए इस मैच का स्कोरलाइन 1 गोल यहाँ से जेज यूनाइटेड और 2 गोल आपको कहीं ना कहीं डाइगो एफसी की ओर से भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अपना स्कोरलाइन 1-2 का है और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं जेज यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में, फिर नजर डालेंगे डाइगो एफसी के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं जेज यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी कम समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से इस YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तभी। और गाइस इंपॉर्टेंट बात यह है, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस मैच जो फाइनल 10 ग्रैंड लीग की टीम रहेंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नजर डालते हैं जेज यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। आपने सही सुना, इस मैच में आपके लिए 10 ग्रैंड लीग टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो नजर डालते हैं ड्रीम इलेवन के प्लेयर्स के बारे में, मतलब जेज यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस जेज यूनाइटेड की टीम की तरफ जो हाईएस्ट गोल टेकर फिलहाल के टाइम पर जो मिन क्यो, जिसने 15 गोल किए हैं और 2 गोल पेनल्टी के हैं। नाम थोड़ा सा अजीब है, बोलने में मज़ा आता है मुझे तो, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इन सब प्लेयर्स को जान रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो नाम अजीब है लेकिन आपको सुनने में मज़ा होना चाहिए। बाकी 15 गोल कर चुका है तो परफॉर्मेंस अच्छा है। आप चाहे तो इसे वाइस कैप्टन के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो, एज ए कैप्टन बना सकते हो लो स्कोरिंग मैच जेज यूनाइटेड की ओर से ग्रैंड लीग में। तो गाइस बात करें सेकेंड हाइस्ट गोल टीम तरफ गैरसो। अब गैरसो और जो मिन क्यो, इनका फासला देखो आप, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट गोल इस टीम पर काफ़ी रिलाई करते, मतलब इस प्लेयर पर काफ़ी टीम रिलाई करती कि ये गोल करेगा तभी हम विन करेंगे वरना कोई चांस नहीं है अपना। तो गैरसो इस टीम की तरफ सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है, फिर यहाँ से चेंग मिन ली जो कि डिफेंसिव पॉइंट भी देता, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है हायोन बियोम आ जिसने 2 गोल किए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मतलब ये तीनों प्लेयर आपके लिए ये दो तो डिफेंसिव पॉइंट देते हैं प्लस गोल पोटेंशियल भी रखते हैं। यहाँ से बोंग सुकिम, इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं तो आप इनका रिकॉर्ड के बेस के अनुसार ही पिक कर लेना, लेकिन लाइनअप आने के बाद जो पोजीशन रहती है उसके अनुसार भी आप इन्हें पिक करके चल सकते हो। लेकिन मेरे अनुसार जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ से जूमिन और यहाँ से गैरसो फर्नांडिज और यहाँ से चेंग मिन ली और हायोम बियोम आ, इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो मिलेगा आपको लाइनअप आने के बाद ही। तो इसलिए 4 टॉप के प्लेयर हैं, इनको पिक करके चलेंगे। असिस्ट के मामले में कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं तो नज़र डालते हैं। तो गाइज असिस्ट के मामले में आपको ऐसे कुछ प्लेयर देखने को मिलेंगे जिसका नाम है सियोंग जुन जो, जिसने 3 असिस्ट किए, तो असिस्ट पोटेंशियल 3 ही, मतलब आप देख सकते हो पिछले 27-28 मैच में इस प्लेयर ने 3 ही असिस्ट किए हैं। और यहाँ से गैरसो फर्नांडिज जिसने 3 गोल और 2 असिस्ट किए, तो 28 मैच में इस प्लेयर का जो परफॉर्मेंस है 3 गोल 2 असिस्ट। तो बाकी यहाँ से चेंग मिन ली, इससे बेहतर यही है कि डिफेंसिव पॉइंट देगा प्लस अटैकिंग वाइज गोल भी कर सकता है और डिफेंसिव पॉइंट तो देगा ही देगा। बाकी का जो भी प्लेयर्स हैं रिकॉर्ड का आपके सामने है, आप रिकॉर्ड के अनुसार पिक कर लेना। अब आप देख सकते हो एक एक असिस्ट किया, मतलब किसी प्लेयर पे ऐसे हम आंख बंद के भरोसा नहीं कर सकते कि ये प्लेयर हमारे लिए गोल करेगा ये असिस्ट करेगा, तो उस कंडीशन के अनुसार आप इन्हीं का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं सेकेंड टीम के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं डाइगो एफसी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस कोरियन लीग में यहाँ से जो डाइगो एफसी की तरफ से हाइस्ट गोल टेकर कैसिन है जिसने 9 गोल किए, और एफसी चैंपियनशिप लीग में ये इस टीम की तरफ से सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर था और डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छा देता है, तो मैं इसे अपनी टीम का कैप्टन बनाऊंगा क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहता है। वहीं पर बात करें एडगर सिल्वा जो कि एफसी चैंपियनशिप लीग में फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर था, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन्हें भी हम टीम में ट्राई करके चलेंगे। वहीं बात करें किम जिन हायोक, ये जब गोल करता है जब इसका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी लेस होता है, ये आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगा। और डिफेंडर में अगर आपको किसी को एक हल्के लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन बनाना है तो किम जिन हायोक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से सुभाष निशी जिसने 3 गोल किए, भाई काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ और इसके 3 ही गोल देखने को मिल रहे हैं, अगर इसका सिलेक्शन 60% हो जा और ये गोल कर जाए और मैं इसको टीम में पिक ना करूं तो ये मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि जब भी इसको मैं पिक करता हूं कुछ करता नहीं है, और अगर मैं इसको पिक नहीं करूंगा अगर ये कुछ कर जाए तो इससे क्या बोलेंगे,
बैड लक की। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप यहाँ से देख सकते हो 28-30 मैच में इस टीम इस प्लेयर ने सिर्फ 3 ही गोल किए हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन डिफेंसिव पॉइंट देता है, ये सही है कि 15 के करीब डिफेंसिव पॉइंट आराम से दे जाएगा बिना गोल के। तो बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैंने टिक किया हुआ और उन्हें आप टीम में पिक करके चल लेना। असिस्ट के मामले में कौन से प्लेयर निकल कर आता है एक बार नजर डालते हैं। हाँ तो गाइस असिस्ट के मामले में कैसिन है जो कि फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर, फर्स्ट चॉइस असिस्ट टेकर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इन्हें हम टीम में पिक करके चलेंगे। एडगर सिल्वा जो कि सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर, ऐसे होते हैं प्लेयर जिन्हें हम पिक करने में मजा आता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है सुभाष अनिसी 3 गोल 2 असिस्ट कर चुका है, आपकी चॉइस इसे पिक करना या नहीं करना। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। किम जिन हयोग 5 गोल और 1 असिस्ट भी कर चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ही। और यहाँ से ब्रूनो लेमस, ये एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट देने की क्षमता रखता है और फिलहाल के टाइम पर काफ़ी कम मैच खेले और परफॉर्मेंस जो इसका रहा है वो काफ़ी इंप्रेसिव रहा, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है लो स्कोरिंग मैच में। इन्हें आप टीम में ट्राई करना, डिफेंसिव पॉइंट तो देगा ही प्लस असिस्ट निकाल दे तो सोने पर सुहाग कर ही देगा। तो नजर डालते हैं अभी इस मैच का स्कोर लाइन के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहेगी इस मैच की जो हमारी स्मॉल लीग टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच मत कर लो यार। तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन कैसिन हा को रखकर चले, वाइस कैप्टन एडगर सिल्वा को पिक करके चले हैं। अब आपके सामने इन प्लेयर्स का रिकॉर्ड है इसलिए हमने टीम का कैप्टन बनाया। एमजू को भी आप हम टीम का कैप्टन बना सकते हो क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा गोल फिलहाल के टाइम पर एमजू ने ही किए हैं। अटैकिंग वाइज 15 गोल कर चुका है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन जनता बना रही भाई चेंग मिन ली को कैप्टन। अब इसका डिफेंस मतलब जो इसका पॉइंट है ड्रीम इलेवन पर अपडेट हुए हैं वो काफ़ी हाई है। इसने सिर्फ 3 गोल और 2 असिस्ट निकाले हैं अभी तक और इसको जनता पता नहीं क्यों कैप्टन बना रही, लेकिन एक कन्फर्म है कि डिफेंसिव पॉइंट दे जाता बिना गोल के 20 पॉइंट। अगर गोल कर भी दिया बाय चांस, लक बाय चांस जिसे बोलते हैं, लक बाय चांस गोल कर दिया तो हमारी तो भैया लग गई फिर तो। अगर गोल नहीं करे तो उस कंडीशन में फिर हम बन गए बादशाह। तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है, लेकिन आफ्टर लाइनअप टीम में चेंजिंग होती है हमारी में, तब लाइनअप आने के बाद जो प्लेयर की पोजीशन रहता है कि कौन से प्लेयर अटैकिंग वाइज खेलेगा, कौन से प्लेयर डिफेंसिव वाइज खेलेगा, उसका अकॉर्डिंग जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। जैसे कि आपने देखो कल एक एटलेटिको मैड्रिड का मैच था, उसमें गैरिज मान का जो परफॉर्मेंस था सब जनता सारी ड्रीम इलेवन पर सारी जनता 80% लोग उसको ले जा रहे थे, प्लस 35% लोग उसे कैप्टन वाइस कैप्टन तो 16% बना रहे थे, लेकिन हमने अपनी टीम को ड्रॉप किया। क्यों किया? क्योंकि जो उसकी पोजीशन थी ना वो आउट ऑफ गोल थी, सिर्फ यही वजह है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रहे इसमें स्कोर लाइन प्रेडिक्शन आपको थोड़ा सा अजीब भी देखने को मिल सकता है, 1-1 ड्रॉ भी देखने को मिल सकता है, 0-0 भी मैच हो सकता है, और गाइज कुछ पता नहीं यहाँ से एक रिवर्स मैच देखने को मिले, मतलब यहाँ से क्या पता जज यूनाइटेड विन कर जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोरियन लीग में आप इन्वेस्टमेंट कम ही करा करो, इन कुछ पता नहीं यार कब कौन कैसे डिफेंसिव मैच खेल जाए। तो फिलहाल के लिए टीम है आफ्टर लाइन जो टीम में चेंज हुई वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, और वीडियो और यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।